खा फ्रूट के साथ पहले आप खिला। खतरनाक। वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट खतरनाक सा ईद दावत का ट्रैफल बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपीज सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। सबसे पहले हम क्रीम चीज लेंगे, 8 ounce का ये हमारा पैक है। इसको थोड़ा व्हिप करेंगे। और अगर आपको क्रीम चीज़ घर में बनानी है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, मैंने बनाई है, बड़ी इजी सी है, अदरवाइज रेडीमेड। तो इसको थोड़ा बीट कर लेते हैं। क्रीम चीज़ जो है वो रूम टेम्परेचर होनी चाहिए, थोड़ी सी ठंडी हो तो चलेगी लेकिन बहुत ठंडी नहीं होनी चाहिए, और बस लाइट हो जब तक कर लेंगे 1-2 मिनट। और अब इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। तो यहाँ मेरे पास 1 कप कंडेंस मिल्क है। कंडेंस मिल्क भी मैंने बनाया है, वेरी वेरी इजी। अगर आपको बनाना है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, अदरवाइज रेडीमेड जिंदाबाद, क्योंकि क्विक है ना। तो ये मेरा थोड़ा ठंडा है, लेकिन जितना फ्रिज का होता है इतना क्रीमी ज़्यादा हो जाता है। अब इसको बीट करेंगे। तो ये अच्छे से बीट हो गया है। और अब इसमें हम हैवी व्हिपिंग क्रीम फोल्ड करेंगे। तो ये मैंने बहुत डिजर्ट्स में व्हिप किया है। तो बेसिकली हमने आधा कप लिया व्हिपिंग क्रीम और उसके अंदर सिर्फ 1 tablespoon पाउडर शुगर डाल के इसको व्हिप कर लिया, तो ये ऑलमोस्ट 1.5-2 cups के आसपास हो गया है। तो इसको इसमें डाल देंगे। और अगर आप चाहें तो कूल व्हिप भी ले सकते हैं, और अगर चाहे तो वो जो क्रीम जो आती है गाढ़ी गाढ़ी सी वो भी डाल सकते हैं। तो बस इसको हमें फोल्ड करना है हल्के हाथों से ताकि जो इसमें एयर है वो बैठ ना जाए। ये ऐसा डिज़र्ट है कि जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो बना के ले भी जा सकते हैं, इतना क्विक है। कोई आने वाला है तो इतना क्विक बन भी जाएगा बिना मेहनत के, और फिर फ्लेवर बिल्कुल अलग लगेगा ट्राइफल का जो मिक्सचर होता है उससे। तो अब इस मरतबा हम ट्राइफल का बेस जो है वो आमतौर पे हम डालते हैं रस्क डालते हैं या केक डालते हैं, तो मैंने इस मरतबा ये पिक किया है जो स्पंज केक होता है जिसमें क्रीम भरा हुआ होता है ना, तो ये 1 layer डाल देंगे। इससे क्या मॉइस्ट भी बहुत रहेगा और एक हटके फ्लेवर हो जाएगा। आम तौर पे जो करते हैं ना उससे हटके करना है। लेकिन अगर आपके पास ये ना हो और किसी और किस्म का केक हो तब आप क्या करें कि इस पर थोड़ा सा दूध पिला दें, या फिर जो फ्रूट कॉकटेल होता है ना उसका जूस थोड़ा सा डाल दें। और ये इतना ज़्यादा मॉइस्ट होता है कि इसमें ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह से चला गया। अब फ्रूट कॉकटेल का मैंने एक बड़ा वाला कैन लिया था, ये डालेंगे। 30 ounce का बड़ा वाला कैन है। अगर आप चाहें तो इस जगह फ्रेश फ्रूट भी डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि ये क्विक है इसलिए हर चीज़ हमें क्विक क्विक चाहिए। बस इस तरह से फ्लैट कर देंगे थोड़ा। तो ये हो गया, और अब इसके ऊपर जाएगा हमारा क्रीम। पहले फ्लैट कर लेंगे सारा।
चले ये हो गया, हमने अच्छे से अपना सारा क्रीम डाल दिया। और यहाँ हमने जेली जमा के रखी है, ग्रीन एंड रेड, आपको जो भी अच्छी लगती हो वो आप ले, छोटे छोटे पीस कर लेते हैं। ये छोटा वाला पैकेट जमा के रखा है। और जेली मैंने बहुत दफ़ा जमाई है, लेकिन इनकेस आपको देखना है कि किस तरह से जमाई तो उसका लिंक यहाँ देते हैं। मैंने एक जेलो डिज़र्ट भी बनाया था, वो उसमें भी है, फालूदे में भी है, बहुत सारी चीज़ों में। सेम इसी तरह रेड भी काट लेंगे। चलो निकाल लेते हैं इस तरह से। इसको भी निकाल लेते हैं। अब आप अपनी मर्जी से आपको जो अच्छा लगता है वैसे गार्निश कर सकते हैं। तो मैं जो हूँ किनारे पे लगाऊंगी। तो ये चली गई। और अब एक रेड की लाइन बनाएंगे। जेली आने से देखें, कुछ मेहनत करें ना करें, प्रिटी लगने लग जाता है, अट्रैक्टिव लगने लग जाता है, यमी लगने लग जाता है। वो खुद बेचारे इतने अच्छे हैं, जिगली जिगली कलरफुल चीज़ सबको अट्रैक्ट करता है। आई गेस मैंने जितने भी ट्राइफल बनाए होंगे ना, उसमें ये मेरे हिसाब से सबसे इजी है। और अब थोड़ा सा क्रंच के लिए आमंड्स, ये देखिए मेरे पास स्लाइस की हुई है, ये सेंटर में डाल देंगे। तो देखा कैसे झटपट हमारा खतरनाक सा डिजर्ट बन गया। और अब मैं ये ट्राई करूंगी ईद की दावत में और आपको खा के बताऊंगी कि लग कैसा रहा है। आप लोग हमेशा कहते हैं ना, रूबी आंटी खाती है, रूबी आंटी खुद ही तारीफें कर देती है। तो अब तारीफें जो है ना वो सना से करवाऊंगी। जेली केक और क्रीम सब मिला के खाऊंगी मैं। फ्रूट है क्या? खा खा फ्रूट के साथ पहले, अब खिला। खतरनाक। द प्लस पॉइंट इज वेरी मॉइस्ट, वेरी क्रीमी, क्योंकि हमने केक ही इस तरह का पिक किया था ना, तो कितना देखे खतरनाक सा है, मजा आ जाएगा। जब आप लोग बनाएंगे ना, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। तो बनाना बिल्कुल बनता है, बनाना बनता है। तो चले जल्दी दे जाए बनाए, खूब मजे करें, धमाल मचा दे। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊंगी जबरदस्त रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।